हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ परिवार से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया चौहान, चौहान एएसके ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज जो है आज थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। जी हाँ, मॉर्निंग में जो है बच्चों की फरमाइश रही थी कि मम्मा प्लीज गुलाब जामुन बना देना, आपको काफी टाइम हो गया है हमारे लिए, हमारी फेवरेट डिश, हमारी फेवरेट मिठाई जो है बनाए हुए। तो गाइज, आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए फेवरेट उनकी मिठाई बना देती हूँ। और तो चलिए, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन गाइज, और गुलाब जामुन बच्चों को खिलाएंगे। अगर आप बनाना चाहो तो बिल्कुल सिंपल ही तरीके से जो है वो मैं आज बनाऊंगी, तो आप भी बना सकते हो। तो चलिए गाइज, लेते एक छोटा सा ब्रेक और करते हैं स्टार्ट। तो तब तक के लिए तो गाइस, हमारी जो गुलाब जामुन है वो बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट जो है वो गुलाब जामुन बनी है, और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये लीजिए, आप लोग भी खाइए। तो गाइस, ये देखिए, थोड़ा सा मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हलवाई के जैसे ही यहाँ पे जो है ये गुलाब जामुन बनी है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस, इसे बहुत बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, और आप लोग भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। तो गाइस, मैं
आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो है गुलाब जामुन बनानी बहुत ही आसान है। और जैसे अभी तो मार्केट में पाउडर वगैरह मिल जाता है गुलाब जामुन का, तो इसके वजह से तो बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो गई है ये मिठाई वगैरह बनाना घर में। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी एक बार इसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी और बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है। और एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए प्लीज़। ये बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया बन जाती है, इसलिए मैं भी इसको बार बार ट्राई करती हूँ। और वैसे भी गुलाब जामुन जो है मेरी फैमिली की भी और मेरी भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और गरम गरम गुलाब जामुन खाए तो वाह क्या बात है। तो गाइज़ आप भी बना सकते हो। बनाने का देखिए, एक मैं बहुत जल्दी ही बता देती हूँ, एक सिंपल सा तरीका है इसका, कि बस आप एक बार गुलाब जामुन का पाउडर जो है वो मैंने इसमें भी शो किया हुआ अपनी वीडियो में, तो वो आप गुलाब जामुन का पाउडर लेके आइएगा, उसको छलनी से छान के, ताकि जब उसका आटा लगाओ तो फिर लम्स वगैरह ना बने उसमें, ना गाँठें ना बने। तो गाइज उसको छलनी से छान के और उसके बाद फिर जो है उसको उस आटा लगाने के लिए दूध यूज़ होता है। जी हाँ, उस पाउडर को आप दूध डाल के और तब ये है उसका आटा लगाइए। आटा लगाने के बाद आप इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए, और लोइयां बहुत ही छोटी बनाइए, क्योंकि ये जब आप इनको तलते हो तो ये ऑयल में जाने के बाद जो है फूल जाती हैं। तो गाइज आप गैस पे कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें रिफाइंड या घी जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वो डालिए। और उसके बाद जो है ये जो आपने लोइयां बना रखी हैं, घी को या तेल को अच्छे से गर्म होने दें, और गर्म होने के बाद जो है मीडियम फ्लेम पे जो है आप गैस को रखें, और उसके बाद हल्का हल्का सा इसमें डालते रहें लोइयों को। और लोइयां डालने के बाद जो है आप 1-2 मिनट तक इनको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, और उसके बाद फिर हल्का सा इनको चम्मच से उलट पलट करना है, और उसके बाद से फिर इनको धीमी आंच पे कम से कम भी 5 से 7 मिनट तक आपको सेकना है। और सेकने के बाद फिर आप निकाल के इसको चाशनी में डाल सकते हो। चाशनी बनाने का सबसे आसान तरीका है कि 1 किलो चीनी में आधा किलो पानी डलेगा। जी हाँ, आप 1 किलो चीनी पतीले में डालिए, उसके बाद आधा किलो पानी डाल के और इसको 5 मिनट तक पकाइए, तो आपकी जो है चाशनी बन के रेडी हो जाएगी। और चाशनी में गाइस इलायची, हरी इलायची डालना ना भूले, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जो है गुलाब जामुन बनते हैं। और मैं तो मेरा जो सबसे सिंपल तरीका है वो यही है। बहुत सारे हैं जो आटे की गुलाब जामुन भी बना रहे हैं आजकल, सूजी की गुलाब जामुन भी बना रहे हैं, तो आप चाहे मर्जी जिस चीज़ से बना सकते हैं, लेकिन ये है कि पाउडर लेने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और गुलाब जामुन तो मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि बहुत अच्छी बनती है। तो चले गाइस, आप भी बनाइए, आप भी लीजिए गुलाब जामुन का टेस्ट, और मैं भी ले लेती हूँ तब तक। और ये बच्चे स्कूल से आ गए हैं घर। नमस्ते बेटा। नमस्ते बच्चा। अरे 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 अरे, आते ही खाने। अरे कपड़े वपड़े चेंज कर लो भाई। ओ अरे कहाँ चले भाई लेके? पहले कपड़े तो चेंज कर लो। हाँ ओके, वेलकम। आपकी फेवरेट है ना? ओके, तो इसलिए मैंने बनाई। पहले कपड़े चेंज करो बेटा, पहले कपड़े चेंज करो। ओके तो चलिए गाइस, आपको भी मेरी गुलाब जामुन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।